शाओमी ने आज की डेट में लॉट्स ऑफ डिवाइसेस के लिए हाईप्रेस और हाईप्रेस 2.0 की जो अपडेट्स है उनको रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया है। काफी सारे डिवाइसेस में हाईप्रेस 2.0 का जो सेकंड बैच का अपडेट का प्रोग्राम है उसको शाओमी स्टार्ट कर रहा है। इवन यहाँ पर कुछ डिवाइसेज में देखने को मिलना भी स्टार्ट हो चुके हैं। एंड्रॉइड 15 के साथ ये अपडेट्स मिल रहे हैं और इंडिया में भी काफी जल्द देखने को मिलेंगे, और उसके साथ यहाँ पर इसका जो शेड्यूल है वो ऑफिशियल देखने को मिला है। देन इसके साथ ही हाईप्रेस 1.5 के भी काफी सारे ऐसे अपडेट्स हैं जिनको शाओमी ने यहाँ पर रिलीज करना स्टार्ट कर दिया है। इवन यहाँ पर इंडिया में और ग्लोबल में काफी सारे ऐसे मॉडल्स रेडमी शाओमी और पोको के हैं जिनमें ये अपडेट्स देखने को यहाँ पर मिले हैं। और हाईप्रेस के भी काफी सारे ऐसे अपडेट्स हैं जो कि नवंबर 24 सिक्योरिटी पैच के साथ जो है वो काफी सारे डिवाइसेस में देखने को मिलना है स्टार्ट यहाँ पर हो चुके हैं। तो इस वीडियो में आप सभी के लिए काफी सारी इन्फॉर्मेशन है, काफी सारी टेक न्यूज है। ये वीडियो लास्ट तक का देखते रहिए। चैनल पर अगर पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर अगर मैं पहले अपडेट की बात करूँ तो भाई रेडमी नोट 12 जो यहाँ पर 4G मॉडल है इस डिवाइस के लिए हाईप्रेस का एक नया ऑफिशियल बिल्ड जो है इंडिया में रिलीज किया गया है। आज की डेट में ये पब्लिक स्टेबल है जो कि 1.0.7.0 है, 311 MB का अपडेट है। और इस अपडेट में आपको नवंबर 24 का जो सिक्योरिटी पैच है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो कि काफी सही चीज है क्योंकि अब यहाँ पर नवंबर के अंदर ही नवंबर के सिक्योरिटी पैच ऑलमोस्ट काफी सारे डिवाइसेज में देखने को मिल रहे हैं जिनको आप यहाँ से ट्राई कर पाओगे। तो अगर आपके पास रेडमी नोट 12 4G मॉडल है तो यहाँ पर नया अपडेट आया है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट अपडेट की मैं बात करूं तो अगर आप इंडिया में रेडमी नोट 12 प्रो प्लस 5G मॉडल यूज करते हो तो इस डिवाइस के लिए 1.0.8.0 का जो ऑफिशियल बिल्ड है 24 MB का यहां पर देखने को मिला। और इस अपडेट में भी आपको नवंबर 24 का जो सिक्योरिटी पैच है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो इसका लिंक मैंने टेलीग्राम पे आपको शेयर कर दिया, अगर आप चाहो तो इसको डाउनलोड करके भी फ्लैश कर पाओगे। नेक्स्ट अपडेट की मैं बात करूं तो भाई पोको जो X4 Pro 5G मॉडल है इस डिवाइस में भी आप देखोगे यहाँ से 1.0.8.0 का जो ऑफिशियल बिल्ड है वो देखने को मिला, और ये 95 MB का अपडेट है। और इस अपडेट में भी आपको नवंबर 24 का जो सिक्योरिटी पैच है एनहांस्ड वर्जन वो देखने को मिल जाता है। अगर आप चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हो, 5G वगैरह इसमें काफी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है और 5G प्लस भी यहाँ पर आपको मिलता है। और यहाँ पर Redmi Note 13 जो 5G मॉडल है या फिर Poco जो X6 न्यू डिवाइस है इस डिवाइस के लिए भी यहाँ पर एक नया अपडेट मिला है। हालांकि इंडिया में और ग्लोबल में काफी बिग वर्जन चल रहे हैं, लेकिन इंडोनेशिया में भी आज की डेट में एक अपडेट मिला है जो कि 1.0.8.0 है, जो कि यहाँ पर अक्टूबर 24 सिक्योरिटी पैच के साथ यहाँ पर देखने को मिल जाता है। लेकिन इंडिया में 1.0.12.0 है, लेकिन ग्लोबल में 1.0.13.0 भी आ चुका। हालांकि वर्जन से कोई मतलब नहीं होता है, अपडेट के जो यहाँ पर मतलब फीचर्स हैं और सारी चीजें हैं वो सेम ही यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर Xiaomi 11i या फिर 11i जो हाइपर चार्ज डिवाइस है इसके लिए यहाँ पर 1.0.8.0 का पार्शियल यूजर रिलीज जो इंडिया में कर दिया गया है। अगर आप इन दोनों डिवाइसेज में से कोई सा भी डिवाइस यूज करते हो तो अपडेट आया हुआ है, इंडिया में आप ट्राई कर पाओगे। और फाइनली Redmi ने अपना जो नया लोगो है वो अनवील यहाँ पर कर दिया है। Redmi का जो नया लोगो है वो ये है, पहले Xiaomi आता था बट मैंने अभी कुछ दिनों पहले आपको वीडियोज में बताया था कि भाई Xiaomi ने जो अपना नाम है वो चेंज कर दिया है, ब्रांड नेम चेंज कर दिया है। अब जो Xiaomi था अब वो यहाँ पर Redmi हो गया। हालांकि Redmi पहले भी आता था लेकिन वो पीछे आता था, Xiaomi Redmi ऐसे बोलते थे, बट अब यहाँ पर जो ऑफिशियल नेम है Xiaomi का ब्रांड नेम वो यहाँ पर Redmi से स्टार्ट होगा और इसका जो नया जो लोगो है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर कुछ और भी अपडेट्स नवंबर के अंदर देखने को मिले इंडिया और ग्लोबल में। Xiaomi 13T Pro अगर आप यूज करते हो तो यहाँ पर नई सीरीज का अपडेट मिला है जो कि 1.0 से आता था, लेकिन यहाँ पर इसका जो वर्जन है वो चेंज कर दिया गया जो 1.1.4.0 है, जो कि ग्लोबल स्टेबल में रिलीज किया है। Redmi 13C Poco C65 के लिए इंडिया में 1.0.6.0 का जो अपडेट है वो रिलीज कर दिया गया है। Redmi 12 5G के लिए जापान में यहाँ पर एक काफी बड़ा अपडेट जो वो देखने को मिला 1.0.13.0 है। और यहीं पर आप देखोगे Redmi 10 5G या फिर Poco M4 5G के लिए भी ग्लोबल स्टेबल में 1.0.7.0 का जो ऑफिशियल बिल्ड है वो देखने को यहाँ पर मिल गया है। और आप यहाँ से देख सकते हो पोको जो F5 डिवाइस है इसके लिए भी यहाँ पर ग्लोबल स्टेबल में 1.0.10.0 का जो ऑफिशियल बिल्ड है वो देखने को मिला है, जो कि ग्लोबल स्टेबल अपडेट है। और इस अपडेट में भी आपको यहाँ पर अक्टूबर का ही सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है। और फाइनली यहाँ पर Redmi Note 14 सीरीज की जो ऑफिशियल रिलीज डेट है उसको Xiaomi ने कंफर्म कर दिया है। इसका जो लॉन्च इवेंट है वो काफी जल्द यहाँ पर होने वाला है। यहाँ पर आप देखोगे लॉन्चिंग ऑन 9th December 2024 के अंदर इसको लॉन्च किया जाने वाला है, Redmi Note 14 5G, जिसमें Redmi Note 14 होगा, 14 Pro होगा, 14 Pro Plus, ये तीनों ही डिवाइसेस को Xiaomi जो है वो लॉन्च करेगा इंडिया में, क्योंकि ऑलरेडी चाइना में तो ये हो चुका है लेकिन इंडिया में काफी सारे यूजर्स इसका वेट कर रहे हैं। इवन मैं भी यहाँ पर जल्दी से इसकी जो अनबॉक्सिंग वगैरह वीडियोज वगैरह आपको मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
नेक्स्ट अपडेट की मैं बात करूँ तो भाई अगर आप रेडमी नोट 12S यूज करते हो तो फाइनली यार इसके लिए भी यहाँ पर जो है यूरोप और रशिया वगैरह में अपडेट्स देखने को मिले हैं। 1.0.8.0 है जो कि 62 MB का अपडेट है और इस अपडेट में भी आपको नवंबर 24 का जो सिक्योरिटी पैच है एनहांस वर्जन वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और यहीं पर अगर आप रेडमी नोट 11S यूज करते हो इंडिया में तो इस डिवाइस के लिए भी एक ऑफिशियल अपडेट देखने को मिला है जो कि एक मतलब बहुत छोटा सा अपडेट है। 1.0.8.0 है, 27 MB का अपडेट है और नवंबर 24 का जो सिक्योरिटी पैच है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है, तो इसको आप डेफिनेटली यहाँ से ट्राई कर सकते हो। और फाइनली यहाँ पर इंडिया में जो रेडमी A4 5G जो है लॉन्च कर दिया गया है, इसकी स्पेसिफिकेशंस वगैरह देखने को मिली। पहले तो आप डिवाइस देख लो कि किस टाइप का ये डिवाइस यहाँ पर रहने वाला है। यहाँ पर ये 5G डिवाइस है और यहाँ पर आपको जो है वो इस टाइप का जो कैमरा सेटअप है राउंडेड वाला वो देखने को मिल जाता है। देन स्पेसिफिकेशंस की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। 6.8 इंचेस का जो LCD SD+ पैनल है वो आपको मिल जाता है। स्नैपड्रैगन 4S Gen 2 का जो प्रोसेसर है वो आपको मिल जाता है। 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी, हालांकि इसमें जो है आपको 33 वाट का जो चार्जर है वो इन द बॉक्स मिल जाता है। और आपको जो है 6 GB और 128 GB या फिर 64 GB 4 GB वेरियंट्स में आपको ये मिलेगा। 5 MB फ्रंट मिल जाता है, रियर में आपको 50 MP का सेंसर मिल जाता है। हाइपरस प्लस एंड्रॉइड 14 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स ये आने वाला है। और उसके साथ ही यहाँ पर 2x एंड्रॉइड सिस्टम अपग्रेड, 4 ईयर ऑफ सिक्योरिटी पैच के अपडेट्स मिलेंगे, साइड फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिल जाता है। देन इसके बाद प्राइस रेंज की मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ से 4 GB प्लस 64 GB जो है वो 8499 का मिल जाता है। 4 GB 128 GB जो है वो 9499 का आपको यहाँ पर मिल जाता है। और नवंबर 27 से इसकी जो है वो यहाँ पर वेबसाइट Amazon और वेबसाइट पे जो है सेल स्टार्ट हो जाएगी। और फाइनली यहाँ पर Redmi K80 के काफी सारे रूमर्स निकल कर आ रहे थे, लेकिन इसकी ऑफिशियल जो रिलीज डेट है, लॉन्च डेट है, चाइना में वो रिलीज कर दी है, मतलब इसको कंफर्म कर दिया है। Redmi K80 सीरीज इज लॉन्चिंग ऑन नवंबर 27 इन चाइना, तो मतलब 27 नवंबर को इसको Xiaomi जो है वो लॉन्च यहाँ पर करने वाला है। और यहाँ पर HyperX 2.0 का जो गैलरी ऐप अपडेट है उसका एक काफी बड़ा एक नया जो बिग मेजर अपडेट है वो देखने को मिला है। इसके डिजाइन जो है वो काफी ज्यादा चेंज कर दिए गए हैं, काफी सारे फीचर्स भी नए देखने को मिले हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर इसका जो डिजाइन है वो टोटली यहाँ पर चेंज कर दिया, क्योंकि HyperX 2.0 में इन सारी फीचर्स को Xiaomi जो है वो चेंज करने वाला है, जिसका जो डैशबोर्ड है वो देखने को मिला है फर्स्ट टर्न प्रीव्यू। तो 2.0 में यहाँ पर जो गैलरी ऐप है वो काफी ज्यादा एनहेंस किया जाएगा। देन यहाँ पर कुछ नए फीचर्स वगैरह भी देखने को आपको मिलेंगे, नए टैब्स मिलेंगे, नए विंडोज मिलेंगी और उसके साथ और भी मल्टीपल फीचर्स का सपोर्ट जो है वो गैलरी एप्लीकेशन में आपको 2.0 में मिलेगा। और यहाँ पर Xiaomi ने HyperX 2.0 की जो टेस्टिंग है वो मल्टीपल डिवाइसेस के लिए स्टार्ट कर दी है। यहाँ पर कुछ और नए डिवाइस भी देखने को मिल गए जिनकी टेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। Xiaomi 13 जो है अल्ट्रा है, Xiaomi 13 प्रो है, Redmi K70 प्रो है और यहाँ पर Xiaomi Mix Fold 4 है और Redmi K70 है। Poco जो पैड 6S मिल जाता है और यहाँ पर उसके साथ ही Redmi 13 है और K60 एक्सट्रीम एडिशन है। देन इसके साथ मल्टीपल ऑप्शन और डिवाइसेज यहाँ पर मिल रहे हैं, तो ये जो अपडेट्स हैं वो काफी जल्द देखने को मिलेंगे। इवन यहाँ पर जो रोल आउट है वो काफी सारे डिवाइसेस का ऑलरेडी Xiaomi ने स्टार्ट यहाँ पर कर दिया है। और यहाँ पर HyperX 2.0 का जो नवंबर का अपडेट है सिस्टम लॉन्चर का, उसको रिलीज कर दिया गया है। इसमें आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। व्हाट्स न्यू के अंदर आप देखोगे एनिमेशंस काफी ज्यादा स्मूथ यहाँ पर देखने को मिलते हैं कुछ इस तरीके से। हालांकि मैंने भी कुछ एनिमेशंस दो ऑलरेडी अपने डिवाइस में एक्टिवेट यहाँ पर किए हैं जो कि HyperX रन कर रहे हैं, तो अगर आप चाहो तो इस अपडेट में थोड़ी बहुत स्मूथनेस डेफिनेटली मिलती है। इसका लिंक मैं टेलीग्राम पे आपको शेयर कर दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पर आप देखोगे 2 new Xiaomi डिवाइसेज गॉट HyperX 2.0 का जो बीटा अपडेट है, कुछ नए डिवाइसेज को देखने को मिला है, जिसमें आप देखोगे Xiaomi Mix Flip है और Mix Fold 4 आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इनका जो चेंज लोग है वो काफी बड़े साइज के साथ यहाँ पर देखने को मिला है। आप देख सकते हो ये जो अपडेट है वो 7 GB का यहाँ पर देखने को मिला है, जो कि काफी बड़े साइज के साथ आता है। और फीचर्स की मैं बात करूँ तो लॉट्स ऑफ फीचर का सपोर्ट है, जिसमें आपको Xiaomi हाइपर कोर का भी फीचर मिल रहा है, Xiaomi हाइपर कनेक्ट का भी फीचर मिल रहा है, Xiaomi हाइपर AI का भी फीचर मिल रहा है। देन उसके साथ भी और बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि यार इस अपडेट में Xiaomi ने यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं। तो आने वाले टाइम में और भी काफी सारे डिवाइसेस के लिए HyperX 2.0 की जो अपडेट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। अगर आप सबसे पहले सबसे ज्यादा फास्ट इन्फॉर्मेशन या फिर अपडेट्स के रिव्यूज चाहते हो तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना, सबसे पहले सारी चीजें आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।